हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो सोचते रहते हैं कि काश हमने ये काम पहले शुरू कर लिया होता, काश कम उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी होती। जब हम 20 या 22 साल के थे तब अगर हमने सही से पैसों को मैनेज किया होता तो आज हम भी करोड़पति बन चुके होते। काश मैंने उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया होता या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता जिसकी कीमत आज 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। बट अब हमारी एज 35 या फिर 40 हो चुकी है, ऊपर से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ चुकी हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम निकल चुका है। अब शायद हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों की तरह सोचते हो जिन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग में आप काफी लेट हो चुके हो और आपके लिए अमीर बनने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सो डोंट वरी, मैं आपके लिए एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जो आपको रिच बनने की तरफ ले जाएगा। चाहे फिर भले ही आपकी उम्र 30 साल हो या फिर 40 साल, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप कभी भी रिच बन सकते हो। मैं बताने वाला हूँ द ऑटोमेटिक मिलियनर एंड सेकेंड बुक स्टार्ट लेट फिनिश रिच। दोस्तों ये दोनों बुक उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है जो 30 से 40 में पहुंच चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनकी उम्र निकल गई है। काश ये इन्वेस्टिंग करने का तरीका हमने पहले ही सीख लिया होता, लेकिन शायद तब आपको इतनी नॉलेज देने वाला कोई अवेलेबल नहीं था, तो यह सब कैसे पॉसिबल हो सकता था, हम पैसों को कैसे मैनेज करते, यह सब सिखाने वाला कोई नहीं था। अब तो हमारे पास बहुत सारा लोन है और उसकी किस्तें भरते भरते ही हमारी जिंदगी गुजर रही है। अमीर तो हम क्या खाक बनेंगे, जैसे तैसे हमारी एक नौकरी लगी है जिससे हर महीने का खर्चा ही निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। रोज रोज नौकरी पर बॉस की बातें सुनना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये सब हमें पसंद भी नहीं होता, पर फिर भी नौकरी करनी है तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो अगर आपके माइंड में भी ये सारे सवाल हैं, तो आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है आपके लिए। लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट काफी सालों से चला आ रहा है, जिसमें होता यह है कि आप महीने का जितना भी कमाते हो उसका 10% या फिर आपके एक दिन की इनकम का पहले घंटे की कमाई को सबसे पहले अलग कर देना है और फिर उसे इन्वेस्ट करना है, और यह चीज हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। बट अगर आपकी एज 35 या फिर 40 हो गई है तो एक दिन की इनकम का पहले घंटे की कमाई और दूसरे घंटे की कमाई को अलग रखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं यू पे योर सेल्फ फर्स्ट ट्वाइस। मान लो आपके पहले महीने की इनकम 30,000 रुपए है, अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हो तो एक घंटे की कमाई होगी 125 रुपए। अगर आप यंग हो तो आप इतने पैसे ही अलग करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, पर अगर आपकी एज 30 से ऊपर हो चुकी है तो आपको 2 घंटे की कमाई यानी 250 रुपए पर डे के हिसाब से टोटल 7,500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने ही होंगे। अगर आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो आपने अपनी लाइफ में अभी तक जो भी खोया है वो आगे चल के पा सकते हो। अब अगर आपको ये अमाउंट अभी भी छोटा लग रहा है सो डोंट वरी, अभी हम इसे और भी इंक्रीज करने वाले हैं। लेसन नंबर 2, द डबल लेड फैक्टर। दोस्तों एक कहावत है, इट्स नॉट हाउ मच वी अर्न, इट्स हाउ मच वी स्पेंड। यानी कि आप अमीर बन पाओगे या नहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, जबकि आप कितना पैसा खर्च करते हो इस बात पे डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छा खासा कमाते हो स्टिल आप उसमें बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हो और उल्टा उधार लेने तक की नौबत आ जाती है, तो आपको गरीब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके लिए डेविड बार्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड सजेस्ट किया है जिसे उन्होंने द लेट फैक्टर का नाम दिया। यानी कि अमेरिका में ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत कॉफी से करते हैं जिसका प्राइस 300 रुपए तक हो सकता है। मान लो अगर ये लोग इन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो यह पैसा उन्हें कितना ज्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। बट हम इंडियंस इतना पैसा एक कॉफी पर नहीं खर्च करते हैं। बट दोस्तों ऑथर का मतलब केवल लेट कॉफी से नहीं है, बल्कि जिन चीजों पर हम फालतू खर्चा करते हैं आप उन्हीं पैसों को बचा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो आप पैसा कमाते हो और आप हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हो, पॉपकॉर्न समोसा ये सब ऑर्डर करते हो, जिससे कि आपका टोटल बिल लगभग 1500 रुपए बैठ जाता है। अगर आप इसी हैबिट को चेंज कर लो
और इन पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जहां आपको ईयरली 40% तक के इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और SIP के जरिए ही कुछ सालों में आप करोड़पति बन सकते हो। इस तरह अगर आप छोटी छोटी जगहों पर फालतू खर्च करना बंद कर दोगे तो पक्का है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा अमाउंट सेव हो जाएगा। अगर आपके पास 15,000 रुपए हैं हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए, तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हो, जहां पर आपको इंडेक्स फंड में 14% की ईयरली रिटर्न्स मिलने हैं, तो आपका पैसा लगभग 30 सालों के बाद हो जाएगा 8,33,00,000 रुपए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आप इतना लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी एज ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है, तो 30 साल वेट कैसे करें? उसके लिए आपको सिंपल डबल लैटर फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां पहले आप 400 रुपए बचा रहे थे, वहीं आपको लगभग 800 रुपए तक बचाने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पैसा कैसे बचाएं? सो डोंट वरी, चलिए इसका भी इलाज है। लेसन नंबर 3, मेक इट ऑटोमेटिकली एंड प्लान योर टैक्स प्रॉपरली। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। क्या आप जानते हैं कि आपको जो भी सैलरी मिलती है वो पूरी नहीं मिलती है, उसका कुछ हिस्सा तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, वो भी टैक्स के रूप में। दोस्तों आप किस टैक्स स्लैब में आते हो, उसी हिसाब से आपका पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट अपना टैक्स लेना नहीं भूलती है। अब देश के नागरिक होने के खातिर टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बट वहीं गवर्नमेंट हमें कुछ सुविधाएं भी देती है जिससे हम अपना टैक्स लीगली बचा सकते हैं, जिसमें काम आता है हमारा ऑटोमेटिक प्लान। मान लो आपकी ईयरली इनकम 12,00,000 रुपए है, तो उसे आप टैक्स कैसे बचा सकते हो? उसके लिए गवर्नमेंट हमें कई ऑप्शंस देती है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपना पैसा ATC सेक्शन में PPF, PF, NPS या फिर ELSS में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको साल का 1.5 लाख तक का रिबेट मिल सकता है। इसमें PPF में इंटरेस्ट फिक्स होता है, अभी के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट रेट 7.1 के हिसाब से चल रहा है। साथ ही आप ELSS में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनका 3 साल का लॉक इन टाइम पीरियड होता है, उसमें भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो ATD सेक्शन के तहत 25,000 रुपए तक का भी आपको रिबेट मिल सकता है। इसी तरह और भी ऑप्शन है जिनसे इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हो और कम करा सकते हो। लेकिन दोस्तों इन चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले आप इनका लॉक इन टाइम पीरियड जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद आप उन पैसों को लॉक इन पीरियड तक नहीं निकाल सकते हैं। जैसे PPF में लॉक इन पीरियड होता है 15 साल, इसी तरह अगर आप ऑटोमेशन का यूज करके अपनी सैलरी में से पैसे SIP के थ्रू बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट करा सकते हो, जिससे आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक से इन्वेस्ट होता रहेगा। अब चलो हमने ये तो जान लिया, ऑटोमेशन सिस्टम से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या किया जाए जिससे हमारी इनकम आसानी से ग्रो हो जाए। तो दोस्तों चलते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ, मेक मोर मनी। दोस्तों सब कुछ करने के बाद यह सवाल हमारे मन में जरूर आता है कि यार और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। हम तो एक स्टूडेंट है, हम तो खुद का ही खर्च नहीं उठा पाते हैं, या फिर हमारी सैलरी बहुत ही कम है, इसे कैसे मैनेज करें? दोस्तों इसके लिए आपको खुद का एक इनकम सोर्स बनाना ही होगा, जो आपका पैसिव इनकम सोर्स भी हो सकता है, जिसको आप अपनी स्किल्स के दम पर आसानी से बना सकते हो। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, अगर आप वेबसाइट को चलाना जानते हो तो आप उनसे पैसे भी कमा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। आज का टाइम AI का है, जहां सारे सवालों का जवाब आपको घर बैठे ही मिल जाता है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने खर्च आसानी से निकाल पाओगे। इसके लिए आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। दोस्तों आज के टाइम में अगर आपके एग्जाम में नंबर अच्छे हैं, पर अगर आपके पास ज्यादा स्किल नहीं है तो आप ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होंगे। पर वहीं किसी दूसरे बच्चे के एग्जाम में नंबर कम है पर उसके पास ज्यादा स्किल्स हैं, तो उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी और वो लाइफ में जल्दी और ज्यादा सक्सेस होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।